गीत या अन्वेषा है? मेरी छोटी बहन। और एनी, यही गीत है, इससे मैं शादी कर रहा हूं। ये गीत है, आप इससे शादी करेंगे? हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हम दोनों की सोच बहुत अलग है। आज ही तो मिली थी मैं इससे सुबह मार्केट में, वहां सुने इसके थॉट्स मैंने। थॉट्स? तुम दोनों ने कितनी देर बात की? हाँ, वो हम मार्केट में मिले थे, वहां कोई इवेंट चल रहा था जहां वो पूछ रहे थे हिंदुस्तानी सभ्यता अच्छी है या पश्चिमी, और मैंने अपने देश के रिवाजों के बारे में बता दिया और इन्हें उससे एतराज था, बस इतनी सी बात हुई। गुड इवनिंग एनी मैडम। हे अशोक, कैसे हो तुम? जल्दी से मेरे बैग्स मेरे रूम में ले जाओ। आई एम मिसिंग माई रूम लाइक एनीथिंग दादी। ठीक है बेटा, आप जाके आराम करिए, लेकिन एक बात, रात को डिनर सब इकट्ठे करेंगे। आज गीत ने अपने हाथों से खाना बनाया है। और देखिए, बहुत सोइएगा मत आप, ओके? सोना तो बाद में होगा दादी, पहले आप ऊपर चलिए मेरे साथ, आपसे अच्छा इतनी सारी बातें करनी है। चलो चलो चलो। मिस होशियारपुर, अब तुम किस सोच में डूब गई? अच्छा, मेरा वो सरप्राइज कहाँ है, दिखाओ जरा। ओह, आपका सरप्राइज, ले लीजिए, संभालिए। गीत, आखिर बात क्या है, तुम गुस्से में क्यों? आपको अब तक ये भी नहीं पता? ओह, मैं तो भूल गई थी, आपको आपकी गलती का एहसास ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, आप कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। जब आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो मुझसे क्यों पूछ रहे? रुकोगी, आखिर बात क्या हुई? अब सुबह ही तुमने कहा था ना कि हमें बचपना छोड़ देना चाहिए, बेकार के झगड़े छोड़ देने चाहिए, कहा था ना तुम्हें? बिल्कुल, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए थी। मैंने कहा था हम सारी बातें एक दूसरे को बताएंगे, पर क्या आपने मुझे बताया कि प्रेजेंटेशन छोड़ के कहां जा रहे? आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी बहन आ रही है। क्या आपने मुझे ये बताया कि प्रेजेंटेशन छोड़ के जाएंगे और वापस नहीं आएंगे? ओह, अब समझ में आया, इसका मतलब क्लाइंट तुमसे नाराज हो गए थे इसलिए तुम मुझ पर भड़क रही थी। जी नहीं, मैंने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया, उन्हें मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी थी और हमें डील भी मिल गई है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मुझे बताए बिना गए क्यों? मैं बताता कैसे, मैंने गुस्से में भड़की हुई थी इसीलिए मुझे ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा। और तुम्हें पता है वो गुस्से में क्यों भड़की हुई थी? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था, घंटे लग गए मुझे उसको मनाने में। वो मान गई ना? हाँ गीत। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी एक छोटी बहन है, ना ही आपने मुझे ये बताया कि आप किसको मिलने जा रहे हो। अगर आपको नहीं लगता कि आपको सारी बातें मुझे बतानी चाहिए तो मुझे भी नहीं लगता मुझे आपसे कोई बात करने की जरूरत है। अरे गीत, बैठे बिठाए मुश्किल खड़ी हो गई, इसे मनाना भी इतना आसान नहीं। आहा, देखने में तो खाना बहुत लजीज लग रहा है। क्या बात है दादी माँ, आज तो सारा खाना मेरी पसंद का है। ये सारा खाना गीत ने बनाया है, बेचारी शाम से मेहनत कर रही है, आप खा लो। थैंक यू। मुझे इटालियन खाना बनाना नहीं आता। आराम कर लिया? जी। मोहन रुको, भाई को हम सर्व कर। नहीं, नहीं, मुझे पास्ता पसंद नहीं।
मुझे और मेरे भाई को इटालियन खाना ही पसंद है और मैं तो वही खाऊंगा। मगर क्यों भाई, ये तो आपका फेवरेट है। फेवरेट था पर अब अच्छा नहीं लगता। बीच में एक बार पास्ता बनवाया था पर उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस दिन के बाद से मुझे पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलिए, पास्ता नहीं लीजिए, कुछ और ले लीजिए, लेकिन जल्दी शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों खा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? हाँ गीत, तुम ऐसे क्यों खा रही हो? दोनों हाथ यूज क्यों नहीं कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो हाँ दादी माँ, मेरा एक ही हाथ से खाना खाने का मन कर रहा है इसलिए। ओह गीत, वो राइस सर्व करना मुझे। गीत बेटे, चाहे एक हाथ से खाना खा लीजिए लेकिन दूसरे हाथ से उन्हें बोल तो पास कर दीजिए। हाँ ये क्या बात हुई? दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम सारा काम एक हाथ से करने की कोशिश क्यों कर रही हो? दादी माँ, मेरा दूसरा हाथ गंदा है ना, इसलिए एक ही हाथ से सर्व कर रही थी। चलिए, इनका तो हाथ गंदा है, आपको क्या हुआ भाई? नहीं, खाना इतना अच्छा बना कि मैं अपनी उंगली चबा बैठा, और कुछ नहीं। डेजर्ट में क्या बना है? चॉकलेट मूज बनाया। ओ, आज तो लगता है सारा खाना भाई की पसंद का बना है। Let me serve you. Your favorite. नहीं नहीं, पेट बहुत भर गया, मैं नहीं खा सकता। थोड़ा सा खा लीजिए ना। इतनी मेहनत से किसी ने आपके लिए बनाया और जब पेट में जगह ही नहीं है तो मैं खाऊं कैसे भी। एक्सक्यूज मी, मैंने एक बार बात क्या नहीं की? मेरे हाथ का बना हुआ मीठा नहीं खाएंगे वो, तो फिर बाकी का खाना क्यों खाया? भूखे ही रहना चाहिए था ना। जब कुछ बोलना ही नहीं है तो यहाँ इतनी रात कर क्यों आए? आपको पता है ना, यहाँ मेरे मायके में आपको आना मना है। अब जाइए यहाँ से।
मुझे तुम्हारे मायके में आने की इजाजत नहीं, मगर तुम तो बाहर आ सकती हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात करने के लिए तुम्हें कह भी कौन रहा है? आप जाइए यहां से। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे आपकी खामोशी सुननी है। सारे दिन की मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिला दी आपने। कितनी मेहनत से मैंने नकुल से सीख के आपके लिए चॉकलेट मूस बनाया था और आपने एक बार भी नहीं खाया। और अब यहां आ गए आप स्टाइल मारने। चाहिए यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गीत, एक बार मेरी बात तो मान लो। एक बार अगर तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो। तकदीर से ज्यादा आप पर यकीन है। अगर इतना यकीन करती हो तो चलो मेरे साथ। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है। नीचे सबके सामने मैंने इसलिए मना किया था ताकि मैं अकेले में बैठ के तुम्हारे साथ खा पाऊं। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी मिस्टी मेरे लिए कुछ बनाए और वो अच्छा ना हो? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आई एम सॉरी गीत, मैंने जो भी किया गलत किया। मुझे ऑफिस से निकलने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं कहां जा रहा हूं। गीत, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, फिर भी तुम गुस्से में हो। नहीं नहीं,
गुस्सा नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, जब से मैं आपसे मिली हूं आपके परिवार वालों के साथ कभी अच्छे रिश्ते बना नहीं पाई, सिवाय दादी माँ के कोई मुझे पसंद नहीं करता। और अब अन्वेषा भी। गीत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि एनी तुम्हें पसंद नहीं करती है? आज सुबह जब मैं अन्वेषा को मिली उसे मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। गीत, तुम खामखा परेशान हो रही हो, एनी बच्ची है, तुम ऐसा मत सोचो। बात सिर्फ अन्वेषा की नहीं है, हम मिले हर बात हर हालात हमारे खिलाफ जाते आ रहे हैं। आपने मेरी वजह से आपके पूरे ऑफिस का पूरे परिवार से झगड़ा मोड़ ले लिया। कब तक आप यूं अपनों से टूटते जाएंगे? ऐसे तो एक दिन आप बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे और उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। और तब आप मुझसे नफरत करने लगेंगे और ये मैं कभी नहीं सह पाऊंगी, कभी नहीं सह पाऊंगी। गीत, सबसे पहले तुम अपने दिमाग से ये निकाल लो कि मैं तुम्हारी वजह से किसी से झगड़ रहा हूं, किसी को छोड़ रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है गीत, इसे तुम इत्तेफाक मानो या अपनी तकदीर, तुमने भी हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, सच्चाई के साथ खड़ी रही है। अगर तुम गलत होती ना गीत, तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं होता, कभी नहीं। अगर मैंने अपनों को छोड़ा है तो केवल अपने असूलों के लिए। और हां गीत, अगर कल को मैं अकेला भी हो जाता हूं तो मैं कभी तुम्हें दोषी नहीं मानूंगा। प्लीज गीत, अपने मन से डर को निकाल दो, छोटी छोटी चीजों से घबराना छोड़ दो। गीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ गीत, सब ठीक हो जाएगा।